एक और वीडियो में हम लोग आ गए हैं। आज व्लॉग में लैब्राडोर के साथ एक नई वीडियो बनाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है, पटाखे पटक रहे चारों तरफ से, पूरा शोर है, फायर आर्म्स की दीपावली चल रही है। उसमें ज़्यादातर लोगों के डॉग डर जाते हैं, ये नहीं डर रहे, क्यों, रीज़न क्या है उसका, तो मैं क्लियर छोटी वीडियो बनाऊँगा, उसमें रीज़न बताऊँगा और सोल्यूशन दूंगा इस चीज़ से, किस तरह से आप अपना डॉग को डिसेंसिटाइज कर सकते हो। पहला चीज़, जेनेटिक बहुत अच्छा मैटर करता है। ये दोनों जो डॉग है इसमें इम्पोर्ट लाइन लगी हुई है सारी की सारी, और इम्पोर्ट लाइन लगी हुई का मतलब ये है कि एब्रोड में जितना भी ज़्यादा लैब्राडोर को रखा हुआ है तो उनका काम था हंटिंग के दौरान वो यूज करते थे, बत्तख को बंदूक से गोली मारते थे, वो गिरती थी, ये उठा के लाते थे, रिट्रीव करते थे, तो इनकी बेसिक जॉब ये थी जो इनके DNA के अंदर बनी हुई है। अभी पटाखे की आवाज़ से वहाँ नहीं डरते, गन की तो यहाँ क्या डरना, ये पहला चीज़, तो जेनेटिक मैटर करता है। दूसरा चीज़, लैब्राडोर है तो मुझे कम मेहनत करनी पड़ी, ये हर किसी डॉग के साथ आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके कानों में एक मसल्स होती है जिसको ज़्यादा साउंड आने की वजह से ही लोग बंद कर लेते हैं और इनको साउंड से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट उसके लिए क्या होगा, आपको अपने डॉग को रेडी करना पड़ेगा। डॉग को रेडी किस तरह से करना पड़ेगा, डॉग को रेडी करने का मतलब ये है कि आपको डिसेंसिटाइज कराना पड़ेगा अपने डॉग को। जब छोटा बच्चा होता है तो पहले 3 से 4 महीना उसको जगह जगह पर डिफरेंट जगह पर खाना खिलाओ, और हल्का हल्का साउंड होना चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा साउंड ना हो और डॉग को कोई ट्रॉमा ना हो। तो स्टार्टिंग में अगर हम काम करते हैं तो बाद में जाके हमारे डॉग इस तरह का रिजल्ट देते जिस तरह से ये है। कोई भी ब्रीड पर हम लोग ये काम कर सकते हैं, बट मैं अभी लैब्राडोर दिखा रहा हूँ क्योंकि अभी यही खड़े, देखो कितना ज़ोर से साउंड आया, डॉग ने देखा उधर, रिलैक्स कुछ नहीं हो रहा, तो उनको एक तो कॉन्फिडेंस ये है कि उनका ओनर मैं उनके पास हूँ, दूसरा जेनेटिक ने काफ़ी अच्छी मदद करी, और तीसरा क्या चीज़ है कि हमने इन पे काफ़ी काम किया हुआ है डॉग ट्रेनिंग का। तो इस तरह के आप अपने डॉग को न्यूट्रलिटी करना चाहते हो तो उस सब चीज़ों पे आपको क्या करना है, जब बच्चा आपके पास आता है या बड़ा डॉग कोई भी है, दीपावली से पहले के प्रिकॉशन बताता हूँ मैं, उसमें क्या करना है आपको, आपको खाना खिलाते हुए या फिर जिस चीज़ पे उसकी डॉग की ड्राइव है, उसका टॉय सबसे ज़्यादा पसंद है उसे, तो उसके साथ खेलते हुए आप कहीं दूर थोड़ा थोड़ा साउंड चलाते रहोगे। थोड़ा थोड़ा साउंड चलाने से क्या होगा कि उसको पता तो चलेगा कि कुछ हो रहा है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंस आ जाएगा 2 से 3 सेशन में कि तेरे को कोई नुकसान नहीं होता। तो इसे बोलते हैं डिसेंसिटाइज करना किसी भी चीज़ को। दूसरा चीज़, अगर बड़ा डॉग है उस पर आप क्या प्रिकॉशन ले सकते हो, आज दीपावली है तो आप नेक्स्ट दीपावली के लिए तैयारी कर सकते हो, लेकिन आज क्या करना है, आज सबसे अच्छी चीज़ है कि आप अपने डॉग को रिलैक्स मोड में आराम से रखो, वो जिधर बैठा है बैठा रहने दो, उसको ज़्यादा आप पैम्पर नहीं करना, जिधर वो जाके छुप के बैठ गया तो उसको बैठ जाने दो अभी के लिए, क्योंकि एक दिन में सडनली आप कुछ नहीं कर सकते उसके साथ, और वो रिलैक्स होता है क्योंकि जानवर को होता क्या है, उनको गुफा में रहने की, अंधेरे कमरे में रहने की आदत होती है, तो वही सब चीज़ में आप जो डॉग को अपने को कहीं भी वो छुप के अगर बैठता तो उसे बैठ जाने दो। जैसे ही साउंड रिलैक्स होगा आपको ऑटोमेटिकली अपने डॉग का कॉन्फिडेंस ऊपर आता दिखेगा। अगर आप एंजाइटी के इस टाइम पे अपने डॉग के साथ ज़्यादा उसको पेट करते हो, उठाते हो, तो आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, हो सकता है वो आपको बाइट कर ले, हो सकता है वो और ज़्यादा डरे, तो जितना वो मतलब साउंड से दूर रहेगा अंदर रूम वगैरह में अपनी क्रेट में, उसके लिए उतना ईजी है छोटे स्पेस में। तो आपको ये नहीं करना कि उसको निकाल के लेके आना है और बार बार उसको दिखाना है कि ये डरेगा नहीं उसको, तो इस तरह से चल रहा है, देख लो आप एक्टिविटी क्या है क्या नहीं। यही प्रिकॉशन लेना है कि उसको एक खाना कम देना है आज के दिन, क्योंकि जब एंजाइटी होती है तब डॉग को ज़्यादा खाना खाने से भी दिक्कत होती है। आज उसको लाइट वेट लिक्विड डाइट पर रखो आप थोड़ा सा, और फिर बाद में जैसे है मॉर्निंग टाइम पर आप उसे खाना दे सकते हो पूरा, इवनिंग टाइम के लिए आप लिक्विड डाइट पर रखो उसको। तो पहला चीज़ तो ये। दूसरा चीज़, आप उसको बार बार गोद में मत उठाओ कि डर रहा है, उसको जितना हो सके पीछे के कमरे में आराम से वो बैठेगा जिधर साउंड कम आ रहा है, तो वो इजीली कंफर्टेबल हो जाएगा। और तीसरा चीज़, एक बहुत सारे ऑप्शन भी है और मैं आपको वो भी बता सकता हूँ, तो आप ये सब चीज़ यूज कर सकते हो। अगर कुछ भी आपको डाउट आता है
आप हमारे चैनल पे वो कमेंट कर सकते हो, हम उस पर वीडियो बना के आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकते हैं। प्लस हमारा 3 डेज का वर्किंग एक कोर्स है जो पेट पेरेंट्स के लिए भी, डॉग ट्रेनर के लिए भी, जो नए डॉग ट्रेनर बनना चाहते हैं उनकी सारी प्रॉब्लम के लिए। और ये बजट बहुत ही कम होगा, इससे कोई अर्निंग नहीं होनी, इससे सीधा सीधा ये चीज़ है, अपना जितना एक्सपीरियंस है वो मुझे लोगों के साथ शेयर करने का मौका मिलेगा। तो हम लोग हर मंथ एक कोर्स लॉन्च करते हैं, अभी तक 3 कोर्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे, जिसमें लगभग 12 से 13 लोग होने पार्टिसिपेट किया है और अभी उनको 100% रिजल्ट है। तो आने वाली सीरीज में जिन लोगों ने ये कोर्स ज्वाइन किया था और उन्होंने काम किया है, हम उन लोगों पे ही को भी वीडियो के अंदर लेके आएंगे और उनसे उनके फीडबैक पूछेंगे कि उनके डॉग के साथ कैसा प्रॉब्लम चल रही थी और किस तरह से उन्होंने अपने डॉग की प्रॉब्लम सॉल्व की है। तो थैंक यू गाइस, आप इतनी वीडियो में समझ चुके होंगे, काफ़ी चीज़ें मैंने बताई। आप देखो हैप्पी दीपावली, ये पूरा कैनल है और चारों तरफ से लाइटिंग लगी हुई है अंदर। लेकिन मैं फिर से बोलता हूँ, जो डॉग कैनल डॉग पार्क होते हैं वो आप अपने तरीके से मत सोचो, उसको सजाने की, उस पे कलर करने की, पेंट करने की, सब चीज़ें डॉग की नज़रिए से आपको देखना होगा कि डॉग को किस चीज़ से, किस कलर से कंफर्टेबल लगता है, किस साउंड से कंफर्टेबल लगता है, किस तरीके से उसे रहना है। तो हम लोग अपने कैनल की पूरी वीडियो लेकर आएंगे, वो वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। उसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे पेड़ लगाया है, किधर किस टाइप का बेड हम लोगों ने दिया है, मिट्टी क्यों है हर चीज़ की। तो मैंने पूरा डॉग की साइकोलॉजी के ऊपर काम करके एक्सपीरियंस से ही सारा का सारा हमने बनाया है। मेरा प्राइमरी टारगेट है हमारा पेट, हमारा डॉग खुश रहना चाहिए, हैप्पी रहना चाहिए। मेरे को उससे मतलब नहीं है कितना लग्जरी है, किस तरीके से वो मुझे अच्छा लगता है कि नहीं लगता है, मुझे उससे मतलब नहीं। मुझे इतना मतलब है कि मेरे पेट को रिलैक्स फील होना चाहिए, वो स्ट्रेस फ्री रहना चाहिए, हेल्थी डॉग होना चाहिए मेरा, कोई भी पेट है, ऐसा नहीं कि एक ही पेट है। तो थैंक यू गाइस, फिर मिलते हैं जल्दी।